नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने से लोग परेशान, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाए नए नियम। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल लू से राहत नहीं, मानसून में 2 हफ्तों की देरी। पंजाब में बिजली की भारी कटौती, सरकारी दफ्तरों में कम होगा कामकाज, एसी भी बंद रखने का आदेश। मुंबई में एक और फर्जी कोविड टीकाकरण शिविर का मामला आया सामने, 5 गिरफ्तार। पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से देर रात मुठभेड़, अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हुआ हमला। तीन साल बाद बस्ती से पकड़ा गया बलात्कारी बाबा सच्चिदानंद, सत्संग के बहाने करता था यौन शोषण। सहारनपुर में ठेकेदार की पीट पीट कर हत्या, परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया आरोप। देर रात शायर मुरव्वर रारा के घर पुलिस की तलाशी, बेटी का आरोप, प्रशासन ले रही बदला। चंद्रशेखर आजाद पार्क में मस्जिद हटाने की मांग, प्रयागराज हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। मारपीट मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर, प्रियंका गांधी के निजी सचिव भी नामजद। महिला सुरक्षा संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकला तुर्की, सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ बम धमाका, विस्फोट में 6 लोग घायल। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चेतावनी, विदेशी ताकत को चीन को नहीं करने देंगे परेशान। वाशिंगटन में 5 मंजिला इमारत ढहने से फंसा एक शख्स, कई लोग घायल। दुनिया में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी। इंडिया से टेस्ट में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुए बड़े बदलाव, लेंगर का साथ देंगे 2 सहायक कोच। श्रीलंका में भारतीय टीम का क्वारंटाइन पीरियड खत्म, स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिखे सभी खिलाड़ी। इंग्लैंड पाकिस्तान के दूसरे वनडे में दर्शकों से खचाखच भरा होगा मैदान, 100% दर्शकों के स्टेडियम आने की मिली अनुमति। मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए यूएई के 2 क्रिकेटर, आईसीसी ने लगाया 8 साल का बैन। कपिल देव ने गेंदबाजों की फिटनेस पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ 4 ओवर में थक जाते हैं आज के गेंदबाज। बेल बॉटम की ओटीटी रिलीज के लिए अमेजन प्राइम वीडियो ने दिया अक्षय कुमार को 30 करोड़ का ऑफर। रिप्ड जीन्स और डेनिम जैकेट में रूबीना ने शेयर की बेहद हॉट तस्वीरें, मिनटों में हुई वायरल। करिश्मा कपूर ने वीडियो में दिखाई 30 साल के सफर की झलक, सितारों के साथ फैंस भी हुए इमोशनल। रोहित आशफ गौर की बेटी बनेगी एक्ट्रेस, पिता चाहते हैं टेलीविजन शो में नहीं फिल्मों में काम करे बेटी।
सुधा चंद्र का दावा, कहा हिंदी टीवी इंडस्ट्री में वापसी के लिए मुझे नागिन जैसे शो की शुरुआत। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।